नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं, नजद माल बेचा है, माल बेचना है तो एंट्री आप किस में करेंगे? सेल्स वाउचर। शॉर्ट थर्ड क्यों होती है? एफ एड। आप एफ एड प्रेस करेंगे तो सेल्स वाउचर पे आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे सेलेक्ट करना एस वाउचर। नजद माल बेचना है तो क्या हो रहा है? माल जा रहा है, कैसा आ रहा है, और बाय में वो आता है जो बिजनेस में आता है, और टू में जो बिजनेस से जा रहा है। कैश आ रहा है तो बाय में आप क्या लिखेंगे? कैश। अमाउंट और अब टू में क्या आ जाएगा? सेल्स। अल्टर प्लस सी से आप यहाँ पे सेल्स का लेजर बना देंगे। सेल्स अकाउंट को आप अंडर में डाल देंगे, सेल्स अकाउंट एंटर करके से एंट्री क्या हो जाएगी? बाय कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट एंटर करेंगे। आप इसमें नरेशन डाल देंगे, बी गुड्स सोल्ड ऑन कैश एंटर करके से। अब अपन माल भेज रहे हैं, भुगतान में अपन को चेक मिल रहा है, वो चेक अपन उसी दिन बैंक जमा कर, मतलब उसी डेट में अपना बैंक बैलेंस बढ़ रहा। तब आप बाय में क्या लिखेंगे? बैंक। बैंक का लेजर एक बार बना लिया था, तो अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है? बी। जैसे ही टाइप करोगे बैंक आ जाएगा, लेजर आपको फिर से नहीं बनाना। अमाउंट बाय में आ जाएगा बैंक, अमाउंट डालेंगे टू में आ जाएगा सेल्स, एंट्री हो जाएगी बाय बैंक अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन डाल दूंगा बी गुड्स सोल्ड ऑन चेक। यहाँ पे यहाँ पे बैंक में डाल सकते हैं, और चेक नंबर डालना है तो पूरा चेक डाल देना, एंटर करके सेव। अब सोहन को नजद माल बेचा है, एंट्री में पर्सन के नाम के आगे केस है, तो अपन पर्सन के नाम पे ध्यान नहीं देंगे, मतलब अपन सोहन पे ध्यान नहीं देंगे, किस पे ध्यान देंगे? केस पे। तो अपन बाय में क्या लिखेंगे? कैश, क्योंकि अपने पास कैश आ रहा है। ये सब एंट्री किस में होंगी? सेल्स वाउचर में, क्योंकि माल बेच रहे हैं। 15,000 माल खरीदेंगे तो कैश जाएगा तो टू होगा, और ये माल बेच रहे हैं तो कैश आएगा तो बाय होगा, और टू में आ जाएगा सेल्स। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर दें। नेक्स्ट बोलो, अब इसके बाद नेक्स्ट पे राम से माल खरीदा, खरीद रहे हैं मतलब परचेज कर रहे हैं, एंट्री किस में करेंगे? परचेज वाउचर। एफ नाइन से परचेज वाउचर, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे एफ वाउचर। अब राम से माल खरीदा, इस एंट्री में पर्सन के नाम क्या है? कहीं पे कैसे क्या नहीं है, चेक वर्ड का यूज भी नहीं, मतलब ये कैसा है? उधार। तब आप यहाँ पे टू में क्या लिखेंगे? राम का नाम, क्योंकि माल खरीद रहे हैं तो बिजनेस में तो माल आ रहा है, परचेज तो बाय में आएगा, चेंज इसमें हो जाता है टू में। अब टू में क्या आ जाएगा? राम। अल्टर प्लस सी से आप राम के नाम का लेजर बना लेंगे, राम्स अकाउंट। आप इसको अंडर में डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि ये आपका कौन है? लेनदार। इन फ्यूचर आपसे केस लेंगे। एंटर कर देंगे, यहाँ पे डे डाल देंगे, और एंटर करके सेव कर देंगे। ठीक है, अमाउंट कितना था? 20,000। एंटर करना, यहाँ पे आप सेलेक्ट करना न्यू रेफरेंस, एंटर कर देंगे, और बाय में आ जाएगा यहाँ पे परचेज। बाय में आप लिखेंगे परचेज, टू में राम, बाय में परचेज, एंटर करेंगे। यहाँ पे अब आप नरेशन डालेंगे बी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार माल है मतलब क्रेडिट, एंटर करके सेव कर देंगे। अब अपन माल बेच रहे हैं, तब एंट्री आप इसमें करेंगे सेल्स वाउचर, एफ एड से सेल्स वाउचर, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे एज वाउचर। अब आप माल बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं? उधार। तो बाय में आप क्या लिखेंगे? पर्सन का नाम, अल्टर प्लस सी से पर्सन के नाम से ले जाना, सोहन धन सोहन अकाउंट। अब ये अंडर में आ जाएगा सैलरी डेटर्स में, क्योंकि क्रेडिटर्स मतलब होता है लेनदार, जो अपन से लेंगे, डेटर्स मतलब होता है देनदार, जो अपन को देंगे, और जिनसे माल खरीदते हैं मतलब अपन देंगे, और बेच रहे हैं मतलब अपन लेंगे, मतलब वो अपना देनदार है, देने वाला। एंटर करेंगे, यहाँ पे डे डाल देते हैं, और एंटर करके सेव कर देते हैं। ठीक है, अमाउंट न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, और टू में आ जाएगा यहाँ पे सेल्स, बाय में सोहन, टू में सेल्स, एंटर करेंगे। इसमें नरेशन डालेंगे बीन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, खरीदते हैं तो बीन गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, बेच रहे हैं तो बीन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, एंटर करके सेव। अब आप एस्केप से बैक चलते हैं, इतने क्वेश्चन देना।
अब अपन गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। अब आपको बैलेंस शीट चेक करना है, तो आप प्रेस करेंगे बी, आप बैलेंस शीट पे आ जाएंगे। अमाउंट आ रहा है 15,40,000। चलिए सब तो इतना ही आ रहा था। अब अपन एस टी एल से पे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आप प्रेस करेंगे पी, इसमें प्रॉफिट हो रहा है कितने का 20,000 यहाँ पे आ रहा है। चल रही है इतना, इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। किसी गलत हो गया तब आप क्या करोगे? आप गेटवे ऑफ टैली पे हो, आप कहाँ आना है? गेटवे ऑफ टैली पे। अब आपको किसमें चेंजेस करना है? वाउचर एंट्री में, क्योंकि आपसे वाउचर एंट्री गलत हुई थी, आपको वाउचर एंट्री में चेंजेस करना है। इनको अमाउंट डालना था 5,00,000, इन्होंने डाल दिया था 10,00,000। तब आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिस्प्ले, शॉर्टकट की होती है डी, डी से आप जाना डिस्प्ले, शॉर्टकट की पूरी होती है इसकी डी ए एल डाल, ठीक है? डी से किस पे जाओगे? डिस्प्ले पे। फिर आप तो क्या, सॉरी, यहाँ से आप डी पे जाएंगे डिस्प्ले पे, ठीक है? फिर आपको आप किस पे जाना है? यहाँ से अकाउंट बुक पे, तो आप प्रेस करेंगे ए, ठीक है? क्या करना है? पहले आप गेटवे ऑफ पहले पे, पहले डी फिर ए, फिर आपको जाना है यहाँ से एल से लेजर पे, डी ए एल। अब आप देखें आपसे कौन सी एंट्री गलत हुई थी? बैंक लोन वाली हुई थी। आप बैंक लोन पे जाके एंटर करेंगे, आ जाएगा यहाँ पे, फिर आपको इसको एंटर करना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे है ये अमाउंट, आपने इसमें गलत डाल दिया था, आप यहाँ पे इसे चेंज कर देना। जैसे अभी अपन इसको चेंज कर देते हैं, हमने सही डाला, हम आपको सिर्फ चेंज करके बता रहे हैं। जैसे हमें डालना था इसमें 6,00,000, चेंज कर दिया, एंटर करके सेव कर दिया, अब ये चेंज हो गया। अब आप देखो ये स्टेप से बैठ जाके बैलेंस शीट में, अब बैलेंस शीट कितनी बढ़ रही है हमारी यहाँ पे 1,00,000 रुपये बढ़ गई, क्योंकि हमने अमाउंट क्या कर दिया 6,00,000। फिर से चेंजेस करना क्या करेंगे? डी ए एल, यहाँ से बैंक लोन पे जाएंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ से इसमें क्या कर देंगे 5,00,000, और एंटर करके सेव कर, तो वो उसको चेंज कर दें। हाँ, उसी एंट्री चेंज कर दो, फिर से एंट्री नहीं करना, उसी एंट्री में चेंजेस हो जाएगा। कर लेंगे, इतने में कोई डाउट हो आप लोगों को तो पूछो, किसी कोई डाउट नहीं।